मैं ये कहता हूँ कि ये गलत, ये फिक्र गलत है। अगर इस कौम को तब्दील करना है तो टीचर ने करना है, उस्ताद ने करना है। Nobody can observe change. Only you people are capable to change the destiny of your nation, of your coming generation. You are the only people. You are the only people that you can do it. Nobody can do it. Nobody is capable to do it. ये चीज अपने माइंड में रखें, अपने रक्त को वसी करें, निकल आए। मैंने पहले आपको अर्ज किया कि अपनी मुलाजमतों से और नौकरी के चक्रों से और इंक्रीमेंटों से निकल आए। ये चक्कर इंक्रीमेंटों का नहीं है। कौन पर जो इस वक्त है वो आप हिसाब किताब का नहीं है, अब वक्त है हिसार का। अब आपने सेल्फ सेक्रीफाइस करनी है, लेकिन उसके लिए लाजम है। इकबाल कहता है कल 9 नवंबर गुजरा। अजीब बात यह है, मुझे समझ नहीं आती ऐसे एजुकेशनिस्ट, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो भी अच्छा दिन होता है उस दिन छुट्टी करा दे देते हैं। अजीब बात है, जो दिन काम का है उसी दिन को छुट्टी कर देते हैं। आप बच्चों से, मैंने आज पूछा, मुझे 10 नवंबर को 9 नवंबर मनाना पड़ा। आज जो मैं आप आया हूं आपके पास, ये मैं अपना 9 नवंबर का जो मैं इकबाल बना के आया हूं। अजीब सा सिलसिला है कि हमें 9 नवंबर 10 नवंबर को मनाना पड़ा। तो इकबाल कहता है कि आप यू टॉक अबाउट सेल्फ सेक्रीफाइस whether you have got the self to sacrifice, it is the egoist alone who is capable of self sacrifice. आप कहते हैं कि ईसार कुर्बानी की बात करते हो, आप ईसार ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस की बात करते हो, कहते हैं आपके पास सेल्फ भी है, whether you have got the self, क्या आपके पास देने को कुछ है भी सही, या वैसे ही सेल्फ सेक्रीफाइस की बात करती हूं। कहते सिर्फ उद्धार शब्द जो है वो इशार कर सकते, सिर्फ कौन, ओनली इगोइस्ट अलोन इज कैपेबल टू सेल्फ सेक्रीफाइस। तो मैं ये आपको गुजारिश करता हूं कि ये वक्त है सेल्फ सेक्रीफाइस का। किसी ने पूछा कि मेहंदी के बारे में, तो ये कहता है कि इकबाल ही से पूछा अपने स्ट्रे रिफ्लेक्शन में, 1910 की डायरी है उसमें वो लिखता है, कहते गो एंड क्रिएट हिम, कहते मेहंदी की बात करते हो, जाओ और पैदा करो, इंतजार करते रहोगे कब तक? हम मसीहाओं को तलाश करते रहे, मसीहा हमने पैदा करने और हम ही ने पैदा कर। अगर आप तलाश में रहेंगे तो आज तक नहीं मिला। इकबाल ने वैसे नहीं कहा 300 साल से हिंद के मैखाने बंद, तो 300 साल से अब 400 साल होने को है इकबाल के बाद, ये मैखाने जो बंद हैं इनको अब आप लोगों ने आबाद करना है, इसमें आपने साकी बनना है और इन बच्चों की आबियारी करनी है। तो बहरहाल दिल बड़ा करते हैं जब भी मैं साथीदा कराम में होता हूँ, उस टीचर हूँ, अपनी बिरादरी में जब भी कोई होता है तो इजी फील करता है, खुश होता है, रिलैक्स होता है, मैं भी बड़ा रिलैक्स होता हूँ। लेकिन ये बच्चे काफी थक चुके हैं, हमारे ये बच्चे 11 बजे से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं मजीद क्या कहूँ, दिल बहुत कुछ करता है, लेकिन इन बच्चों की खातिर इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकातें रहेंगी। सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि अब वक्त हिसाब किताब का नहीं है, अब वक्त है इशार का। आपके पास जो कुछ है कुर्बान पे, इस कौम पे कुर्बान कर दे, इसके बदले में पूरी कौम आपको मिल जाएगी। मैं खसारे का सौदा आपको नहीं बता रहा, मैं जो सौदा आपको बता रहा हूँ वो नफे का सौदा बता रहा हूँ। आप अपना कुछ, जो कुछ भी है, जो भी दर गरीबी है, जो भी सलाहियतें हैं, वो कौम पर निछावर कर दे, पूरी कौम आपकी हो जाएगी। क्या समझते हैं खसारे का सौदा है नफे का? ये मुनाफे का सौदा, ये नफे का सौदा है। बड़ा सौदा करें, छोटे छोटे सौदों से पीछे हो जाए, बड़ा सौदा करें, इस कौम को बनाने का सौदा करें। क्यों? कि महातीर मोहम्मद, किसी ने पूछा कि आपने ये चेंज आई कैसे, कैसे किस तरह था कि मैं बड़ी मुश्किल से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया,
मलेशिया पे आपको जानते हैं महाथीर मोहम्मद जिसने मलेशिया को कम्प्लेक्शनली चेंज कर दिया जस्ट विद इन 20 इयर्स, 20 साल के अंदर मलेशिया जंगलियों को दुनिया की तरक्की याफ्ता कौनों के मुकाबले ला खड़ा किया, वो महाथीर मोहम्मद हमारे लिए मॉडल है। उसने कहा कि जब मैंने पीएचडी की डॉक्टरेट कर लिया तो मेरे पास बड़ा मौका था, हार्वर्ड से मैंने पीएचडी की, आपको पता है हार्वर्ड का मास्टर भी हो जाए तो उसको अच्छी खासी जॉब मिलती है, उसने पीएचडी की हार्वर्ड से। पीएचडी करने के बाद कहता है कि मेरे पास मैं बैठा सोचा क्या करूं, एक तरफ मैंने देखा तो मेरी जो फैमिली थी वो बड़ी कसम कुर्सी के आलम में थी, दूसरी तरफ देखा तो अपनी कौम को देखा तो वो भी अंधेरों में थी, बहुत मुश्किल में थी। तो कहता है कि मैंने फैसला किया कि अपनी कौम के लिए जिंदगी वक्त करते हैं बाकी की। नतीजा क्या निकला, कहता है जब मलेशिया बन गया विद इन 20 इयर्स तो कहता मैंने पीछे देखा तो मेरी अपनी फैमिली भी तरक्की याफ्ता हो चुकी थी, उसकी भी कसम कुर्सी खत्म हो चुकी थी, वो भी उन लोगों में थी तो उसने खसारे का सौदा नहीं किया। अगर वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाता, अगर सिर्फ अपने खानदान को बचा तो मुमकिन था कि उसके 10, 15, 20 लोग तरक्की कर जाते, लेकिन आज लाखों मलेशियन लोग आज खुशहाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम अपना सब कुछ अपनी कौम को दे दें तो खसारे का सौदा नहीं होगा, कौम हमें बहुत कुछ वापस दे देगी। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी, सुने ए मेरे नौजवाने वतन, ए मेरे बुलबुलाने खुशगुलू, सुने आपने जो आज की परफॉर्मेंस दी ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, आपने बड़ा काम किया, बहुत खूबसूरत नगमे गाए, बहुत अच्छी तकारीर की, बहुत अच्छी आपने कर्तव्य दिखाई। कोशिश करें अगले साल इससे बेहतर करने की, करेंगे इसके अगले साल अच्छा प्रोग्राम करेंगे, मेहनत भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे और अपने स्कूलों में खुशी खुशी आएंगे, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया।